हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ा था। डिफरेंशिएशन में हमने बात की थी कि किस तरीके से हम पैरामेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करते हैं। अब आज हम उसी के आगे बढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एन अदर फंक्शन। कोई एक फंक्शन दिया होगा एफ एक्स फंक्शन का जी एक्स फंक्शन के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन। मतलब यहाँ पे आपको क्या, दो फंक्शन एक्स के फॉर्म में दिए होंगे, किसी एक फंक्शन का दूसरे के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना है। जैसे हमने मान लिया इसको यू और इसको हमने मान लिया वी, ठीक। यू आपका एफ एक्स दिया है, वी आपका जी एक्स दिया है। अब हमको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वी। तो जिसके रिस्पेक्ट में अगर हम कर रहे हैं तो हम ये लिखेंगे डी यू अपॉन डी वी। ये अगर हम निकालेंगे तो कहने का मतलब इसको पढ़ेंगे क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वी, ठीक है। तो इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर हमको क्या मिलेगा, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी यू अपॉन डी एक्स आएगा इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, ठीक। फिर इसका डिफरेंशिएशन अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी वी बाई डी एक्स आएगा, ये हो जाएगा जी एक्स। अब हमको निकालना क्या है, डी यू अपॉन डी वी। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका है डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डी वी, सॉरी डी एक्स बाई डी वी। ये जो वैल्यूज आई हैं इनको यहाँ पे पुटअप कर देंगे, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये आई वो यहाँ रख देंगे, एंड डी वी बाई डी एक्स हमको लिखना क्या है, डी एक्स बाई डी वी। तो इसका रेसिप्रोकल उठा के यहाँ पे रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डी यू बाई डी वी, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वी। इसी तरह अगर लिखा हो डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू यू, तो हम क्या निकालेंगे, डी वी बाई डी। तब हम ये निकालेंगे, इसको क्या लिखेंगे, डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी यू। इस तरीके से हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब इस पे बेसिस कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है टैन इनवर्स 2x अपॉन फर्स्ट क्वेश्चन है टैन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, किसके रिस्पेक्ट में, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है डिफरेंशिएशन ऑफ टैन इनवर्स 2x बाई 1 बाई एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो हम क्या मान लेंगे, u हमारा क्या है, टैन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड v मान लेंगे v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन हम करेंगे। अब ये मेथड सब्स्टिट्यूट मेथड, यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पे हम x को क्या मान लेंगे, लेट x इज इक्वल टू टैन थीटा। तो
तो जब यहाँ हम x की जगह tan थीटा लिखेंगे तो u इज इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये फार्मूला आपका किसका हो गया, tan 2 थीटा। tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2 थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू हम रखेंगे, थीटा यहाँ से निकालते हैं तो थीटा कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो u हमारा आ जाएगा 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो du अपॉन dx इज इक्वल टू 2 dy dx ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 प्लस x स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये हमारा आ गया du by dx। अब हम इसके बाद निकालेंगे dv by dx, तो यहाँ पे cos इनवर्स दिया है, इसको भी हम चेंज करेंगे, यहाँ पे भी x को हम कुछ मानेंगे तो यहाँ पे भी x को हम क्या मान लेंगे, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फार्मूला हो गया, ये भी आपका फार्मूला किसका हो गया, cos 2 थीटा का ये फार्मूला हो जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2 थीटा, ये v की वैल्यू। तो v इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, यहाँ से निकालेंगे थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x। तो ये tan इनवर्स x आ गया, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv by dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये आपका आ गया, इसको डिफ्रेंशिएट करने पर ये आ जाए। अब हमको निकालना क्या है, इसका इसके रिस्पेक्ट में, मतलब u का v के रिस्पेक्ट में, तो du अपॉन dv निकालना इज इक्वल टू क्या आएगा, du अपॉन dx मल्टीप्लाई dx बाई dv। तो du अपॉन dx हमारा क्या आया है, 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इन टू dv अपॉन dx 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो dx अपॉन dv जैसे इसका रेसिप्रोकल, तो आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2, कैंसिल करेंगे तो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका 1। तो ये du अपॉन dv की वैल्यू हो जाएगी, इससे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है, जिसका जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा वो अपॉन में आएगा, ठीक। u का v के रिस्पेक्ट में तो v अपॉन में आएगा, v का u के रिस्पेक्ट में तो u अपॉन में आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू टैन इनवर्स एक्स। सेकंड है डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू टैन इनवर्स एक्स, ठीक। तो u हम मान लेंगे साइन इनवर्स x और v हम मान लेंगे टैन इनवर्स x, ठीक।
तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और डी वी अपॉन डी यू इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, डी यू अपॉन सॉरी ये एक्स होगा, डी यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी यू। ठीक, तो डी यू अपॉन डी वी वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर डी एक्स अपॉन डी वी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर आपका क्या आ गया, वन माइनस सॉरी प्लस है वन प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे आ जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है टैन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स एक्स। एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू पर वैल्यू आपको फाइंड करनी है क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले तो हम वैल्यू क्या निकालेंगे, टैन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स का निकालेंगे, वो हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा बदल गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन ये है डिफरेंशिएट टैन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक, और साथ ही वैल्यू भी फाइंड करनी है इफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, इफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू देन फाइंड वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू। ठीक, यहाँ पे ये क्वेश्चन तो आएगा आपका यही, बस अंतर क्या है, अब u आपका v के u के रिस्पेक्ट में, या u हमारा कह सकते हैं, u हमारा क्या है tan इनवर्स x और v हमारा क्या है, v हमारा है sin इनवर्स x। तो इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो du यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका आएगा। हमको निकालना क्या है, डी वी बाई डी एक्स या डी यू बाई डी एक्स, डी यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू डी वी बाई डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वी। तो डी यू अपॉन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ये आएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब हमसे एक चीज़ और भी कह रहा है, x इज इक्वल टू वन बाई टू रखना है, तो डी यू बाई डी वी की वैल्यू कब, जब x इज इक्वल टू वन बाई टू, तो वन बाई टू रख दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट वन माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन वन प्लस वन बाई टू का होल ऑफ स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे फोर आएगा, तो अंडर रूट थ्री बाई टू या थ्री बाई फोर अपॉन अंडर रूट नहीं फोर और वन फाइव, फाइव बाई फोर हो जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा, इसको और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट थ्री बाई टू अपॉन फाइव बाई फोर। ठीक है, तो ये आपका आ गया डी यू अपॉन डी वी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, यहाँ से टू ऊपर जाएगा तो टू रूट थ्री बाई फाइव, ये आपका आंसर आ जाएगा कब, जब x की वैल्यू हम 1 बाई टू रखेंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसके और भी क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड में कह रहा है फंक्शन दे रहा है कोसाइन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो आपको यू कितना दिया है, क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन है ये, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में करना। तो यहाँ पे u आपका क्या है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और v आपका क्या है, v इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे x को आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा क्योंकि साइन इनवर्स दिया है, तो अंदर भी हम साइन का फार्मूला बना लेते हैं। तो हम क्या मान लेंगे, x इज इक्वल टू साइन थीटा। जब साइन थीटा बनाएंगे तो u इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका अंडर रूट लगा है तो कॉस थीटा। ये किसका फार्मूला बन गया, साइन 2 थीटा का। तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से u आपका क्या आ जाएगा, u आपका आ गया u इज इक्वल टू 2, और थीटा यहाँ से निकालेंगे तो साइन इनवर्स x। तो du by dx इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारी du by dx आ गई। और dv by dx तो सीधे सीधे आपका आ जाएगा, dv by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये दो वैल्यू हमारी आ गई, एक ये दूसरी ये। हमको निकालना क्या है, du by dv इज इक्वल टू क्या होगा, du by dx इंटू dx अपॉन dv। ठीक है, तो du by dx, dx कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx by dv, इसका जस्ट रेसिप्रोकल, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2। ये किसकी वैल्यू है, du by dv की। ठीक, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसका जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसका उसी के रिस्पेक्ट में हम सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू log x। ठीक है, ये दिया, तो इसको देखते, तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e की पावर 2x, और v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log x।
तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x इंटू फिर 2 का भी हो e की पावर 2x का e की पावर 2x होगा फिर 2x का भी होगा तो 2 आ जाएगा ठीक। और डी वी बाई डी एक्स अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई एक्स। हमको निकालना क्या है डी यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू तो डी यू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वी। तो डी यू अपॉन डी एक्स कितना है ये है 2 e की पावर 2x इंटू डी एक्स बाई तो इंटू एक्स तो ये हो जाएगा 2x e की पावर 2x। ये आपका डिफरेंशिएशन होगा। नेक्स्ट है इसमें सिक्स्थ नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर। तो क्या होगा u हम क्या मान लेंगे e की पावर x स्क्वायर और v किसको मान लेंगे v मान लेंगे x स्क्वायर ठीक। तो du अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर ठीक। अगेन x स्क्वायर का होगा तो इनटू क्या जाएगा 2x ठीक। फिर इसका करेंगे तो dv by dx इज इक्वल टू क्या जाएगा 2x ही आएगा। तो सीधे सीधे dv du by dx या du by dv इज इक्वल टू du अपॉन dx इंटू dx अपॉन dv ठीक। तो ये आपका आ जाएगा e की पावर x स्क्वायर इंटू 2x इंटू ये कितना आ जाएगा 1 बाई 2x। तो ये कैंसिल हो जाएगा आ जाएगा e की पावर x स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक। इसको इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये एक्सरसाइज सभी की समझ में आई होगी। अब इस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन हैं जो हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं वो आप लगाएंगे फिर हम न्यू एक्सरसाइज पे आते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट है होमवर्क क्वेश्चन डिफरेंशिएशन ऑफ log x cube विद रिस्पेक्ट टू e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू e की पावर x। सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर tan स्क्वायर x स्क्वायर tan स्क्वायर x tan स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू log x। थर्ड है डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट बाई वाई डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर। नेक्स्ट है फोर्थ डिफरेंशिएशन ऑफ log x log x tan x एंड विद रिस्पेक्ट टू साइन m।
कॉस इनवर्स एक्स, ये आपको इतने 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। जो क्वेश्चन आपके नहीं लगते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा क्वेश्चन नंबर, तो वो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब कि एक के बाद एक का हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। जैसे हमने कहा एक फंक्शन आपका वाई है, ठीक, वाई है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, ये आ जाएगा एफ डैश एक्स, ठीक, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। फिर उसके बाद अगेन अगेन हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, इसको दोबारा भी हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन, इसको हम लिखेंगे डी टू वाई, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन मतलब डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। इसको और सही से लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स, ठीक। अगेन इसका फिर से करना चाहें तो क्या आएगा, डी वाई डी डी एक्स इज इक्वल टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, और इधर होगा तो ट्रिपल डिफरेंशिएशन, ठीक, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव, ये आपका थर्ड डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या, जैसे यहाँ पावर 3 आई nth के लिए क्या हो जाएगा, डी एन वाई अपॉन डी एक्स क्यूब या n इज इक्वल टू एफ एन एक्स, ठीक, n टाइम्स हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। इस टाइप से हम इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव तक इसमें हम निकाल सकते हैं। अगर एक चीज़ और भी, अगर हम लिखना चाहें, जैसे ये लिखा है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, इसको अगर हम लिखना चाहें डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या ये सही है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ हमने क्या वाई का डबल डिफरेंशिएशन, और इसका मतलब क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स को हमने दो बार मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ हमने dy वाई बाई डी एक्स को क्या दो बार मल्टीप्लाई कर दिया, उसको लिखेंगे dy वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है y को हमने डिफ्रेंशिएट किया, अगेन फिर से हमने y को डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, तो ये और ये दोनों में अंतर है, ठीक, ये दोनों में अंतर होगा। जैसे y आपको दिया है, y आपका कैसे क्वेश्चन दे सकता है देख, क्वेश्चन पे आते हैं सीधे, क्वेश्चन देखते हैं क्या, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, देन फाइंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ये फाइंड करना है। तो पहले सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर और डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर, फिर डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आ जाएगा ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स, ठीक, तो ये हमारा क्या आया है, डी वाई बाई डी एक्स आया है।
ये डी वाई बाई डी एक्स इतना आया है। अब इसके बाद अगर हम निकालना चाहें डी टू वाई अपॉन या डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब इसी का जो आंसर आया है इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लिखेंगे 2x e की पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, इतना ये फर्स्ट टर्म मान लेना, ये सेकेंड टर्म। ठीक, तो 2 बाहर आ गया, बचा क्या अंदर, डिफरेंशिएशन ऑफ, या इसको ऐसे ही लिख लो x e की पावर साइन एक्स स्क्वायर और डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर अगेन, फिर क्या लगाएंगे, प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एंड डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये आ जाएगा। ठीक, ये डिफरेंशिएशन होगा। तो क्या आया, अब आगे देखते हैं इसको और सॉल्व करते हैं, तो आएगा 2 ब्रैकेट में x e की पावर साइन एक्स स्क्वायर एंड डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस का साइन साइन एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का साइन एक्स स्क्वायर, अगेन एक्स स्क्वायर का करेंगे तो इंटू 2x। ठीक, प्लस कॉस एक्स स्क्वायर, अब अंदर जो है इसमें फिर से 2 आपके फैक्टर हैं, या हम कह सकते हैं 2 फंक्शंस हैं, इनमें फिर से बाई पार्ट आपका प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा देखते हैं, आगे आएगा देखो, x को ऐसे ही लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर साइन एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर साइन एक्स स्क्वायर और डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, e की पावर सॉरी x का। ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 4x स्क्वायर e की पावर साइन एक्स स्क्वायर और ये माइनस का होगा, माइनस 4x स्क्वायर e की पावर साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस 2 कॉस एक्स स्क्वायर, अंदर वाले का करेंगे, अंदर वाले का तो x ऐसे ही रहेगा, इसका करेंगे तो e की पावर साइन एक्स स्क्वायर आएगा और साइन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, अगेन कॉस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो इंटू 2x। ठीक, और प्लस e की पावर साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा, तो अब इसको ओपन कर लीजिए, माइनस का 4x स्क्वायर e की पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 2x e की पावर 2 क्यों 4 हो जाएगा 4x स्क्वायर e की पावर साइन एक्स स्क्वायर और ये कॉस एक्स स्क्वायर आ जाएगा इंटू कॉस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2 ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखें कि क्या कुछ कॉमन है इसमें, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें और इसमें कॉमन मिल जाएगा, 4 कॉमन है, एक्स स्क्वायर है, e की पावर x, तो 4 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, e की पावर साइन एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो अंदर बचा क्या, बचेगा आपका कॉस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर माइनस साइन
एक्स स्क्वायर, ठीक इतना बचा इसमें, और प्लस का 2e की पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, ये आपका आंसर। इस तरीके से हम इसका डबल इंटीग्रेशन